चंपक वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब वो खेत पर काम करने चले जाते थे तब टुनटुनी अपनी बहन की देखभाल करती थी। एक दिन जब टुनटुनी के माँ बाप खेत से घर वापस लौटे तो टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ दूध खत्म हो गया है और पिंकी कब से रोए जा रही है, तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाली दुकान से जाकर दूध खरीद कर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ से पैसे लेकर जाने लगती है। तभी पिंकी चिड़िया रोने लगती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, इसे भी अपने साथ लेती जा, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी। अच्छा माँ, मैं पिंकी को भी अपने साथ ले जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया दूध लेकर लौटती है तो देखती है कि उसके मम्मी पापा को किसी ने जान से मार दिया है। दोनों खून से लथपथ पड़े थे। अपने माँ बाप की हालत देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ पिताजी, आपकी ये हालत किसने कर दी? उठो ना, ये देखो मैं पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेकर आ गई। टुनटुनी चिड़िया के रोने की आवाज़ सुनकर हरी काकी वहाँ आती है। हरी काकी देखो ना, मेरे मम्मी पापा को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। आपने किसी को मेरे घर आते देखा था? नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैंने किसी को तेरे घर आते नहीं देखा, लेकिन तू कहाँ थी? मैं पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेने गई थी। ये बहुत रो रही थी हरी काकी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गई थी। और जब लौट कर आई तो मम्मी पापा को इस हाल में देखा। मत रो टुनटुनी चिड़िया, अगर तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो तेरी बहन को कौन देखेगा? हम सब तेरे साथ हैं। टुनटुनी चिड़िया, अगर किसी बात की जरूरत हो तो हमसे कहना। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। खेत में लगी हुई फसल भी बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पर जाती है और खेत में लगी हुई फसल सूखी देखकर रोने लगती है। क्या करूं? घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और माँ पिताजी ने जो फसल लगाई थी वो भी सूख चुकी है। अब दोबारा से खेत में फसल उगानी होगी। टुनटुनी चिड़िया दो दिनों तक लगातार खेत की सफाई करती है। चलो अब खेत की सफाई हो गई, अब इसमें कुछ बीज लाकर बिखेर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है। तभी रास्ते में उसे बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, ऐसे उदास होकर तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ। बंटी, मेरे माँ बाबा नहीं रहे और अब मैं अपनी बहन के साथ इस जंगल में अकेली हूँ। खाने को एक भी दाना नहीं है, बस अपने खेत के लिए कुछ बीज लेने जा रही थी। इतना सब हो गया टुनटुनी चिड़िया, और तूने मुझे बताया नहीं? ये ले कुछ अंडों के जादुई बीज, तू इसे अपने खेत पर बिखेर देना। मेरे तो ये किसी काम के नहीं, क्योंकि मैं अंडे खाता नहीं। मैं शहर के जंगल गया था तो मुझे एक जादूगरनी ने दिए थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं इन बीजों को ही अपने खेत में बिखेर देती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा की तस्वीर देख कर कहती है, आज हम लोग खेत में अंडों के जादुई बीज बिखेरने जा रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। दोनों बहनें मिलकर खेत में अंडों के बीज बिखेर देती हैं। पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर अपने खेत की अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। कुछ दिनों बाद उनके खेत में अंडे की फसल लहराने लगती है। ये देख पिंकी चिड़िया, हमारे खेत में कितने अंडे उग गए हैं। अब अंडे बेचकर हमारी अच्छी कमाई होगी। आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मत रो पिंकी, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अंडे आ जाने के बाद पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर अंडों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेच देती हैं। ये देख पिंकी, हमें कितने पैसे मिले हैं। हम इन पैसों से अपने लिए बहुत सारा सामान खरीदेंगे। फिर दोनों बहनें मिलकर बहुत सारा सामान खरीदती हैं और खुशी खुशी अपने घर लौटती हैं। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को बना दो।
तो रुक पिंकी चिड़िया, मैं अभी तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। आज खुशी का दिन है, हम लोग मीठा खाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया हलवा बनाती है। इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। चंदन वन में रहने वाला बंटी का परिवार अपने बेटे कबूतर को चिड़िया दिखाने ले जाता है। बेटा बंटी चिड़िया को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूँगा तो इसी चिड़िया से करूँगा। मुझे ना कुछ पूछना है ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से बंटी की शादी टुनटुनी से हो जाती है। लेकिन अगले दिन टुनटुनी की आवाज़ जब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुद ही सुन लीजिए। अले अले, इतनी जल्दी चुबा हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। टुनटुनी, ये कैसे बोल रही हो तुम, ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ता हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बंटी को समझते देर नहीं लगती है, जिस टुनटुनी की चूचू आवाज वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, बंटी सर पकड़कर बैठ जाता है, तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे बंटी बेटा, बहू को क्या हुआ, तुम लोग परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? बंटी कुछ बोलता उससे पहले ही टुनटुनी बोल पड़ती है। आले चाचू माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिलावजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है तोतली, मेरे तो भाग्य ही फूट गए, तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली, अब जीवन भर करो मेला बाबू मेला सोना। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो, मैं अपने दोस्तों के सामने से कैसे लेकर जाऊँगा? बंटी को परेशान देखकर टुनटुनी हंसती है और कहती है, अली आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चुपला करूँगी आपके दोस्तों के सामने, मेरे पापा भी मेले को चुप लेने को बोलते थे। बंटी और उसकी माँ को टुनटुनी का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन बंटी और टुनटुनी बंटी के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ बंटी टुनटुनी को समझा कर जाता है उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो एक बूंद आवाज नहीं निकालेगी। बस क्या था, सब खाना खाते हैं, बंटी के दोस्त की बीवी टुनटुनी से उसका नाम पूछती है, तभी बंटी बोल पड़ता है, टुनटुनी नाम है भाभी इसका। अब दोस्त के घर कोई भी टुनटुनी से सवाल करता जवाब बंटी देता, टुनटुनी को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कहीं टुनटुनी उसके तोतलेपन की पोल न खोल दे। अरे भैया क्या बात है, जब से आप आए हैं मैंने तो आपकी बीवी की आवाज़ ही नहीं सुनी, कहीं गूंगी तो नहीं है ना? टुनटुनी को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे बंटी की बात भी याद रहती है, उसे कुछ भी नहीं बोलना है तो लिहाजा वो चुपी रहती है। अरे नहीं नहीं भाभी, टुनटुनी नाम है मेरी बीवी का, टुनटुनी, और टुनटुनी भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सभी बंटी की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार टुनटुनी को देख रहा होता है। वो सोचता है कैसे भी करके वो टुनटुनी की आवाज़ सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरकर उसे टुनटुनी के पैर के नीचे छोड़ देता है। जैसे ही नकली चूहा जाकर टुनटुनी के पैर से टकराता है तो टुनटुनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे तुहा तुहा पकलो पकलो तुहा निकाल लिया। बच्चा टुनटुनी के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। बंटी का मुंह उतर जाता है तो तभी भाभी बंटी को समझाती है, तुम्हारी टुनटुनी तोतली है क्या? हाँ भाभी भैया, मैंने तो बस इसकी सुंदरता देखी, इससे कोई सवाल जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तो तोतली है। अरे कोई बात नहीं बंटी भैया, अब तोतलापन का इलाज है, आप ना इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज संभव है। अच्छा भाभी, फिर तो मैं कल ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और फिर मेरी टुनटुनी सच में कोयल की तरह बोलेगी। बंटी कबूतर टुनटुनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कुछ ही महीनों बाद टुनटुनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी वजह से मेरा तुतलानापन दूर हो गया और मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। अब वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही लालची थी। एक दिन बंटी कबूतर घर आता है और अपनी माँ टूनी चिड़िया से पूछता है, माँ टुनटुनी चिड़िया कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
बेटा तुझे तो पता है शहर में कहीं भी सेल लगती है टुनटुनी चिड़िया पहले जाती है। तेरे ऑफिस जाने के बाद से ही वो शहर के जंगल गई है। तभी टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और उसके हाथों में बहुत सारे थैले थे। माँ जी ये देखिए, आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। सेल में बहुत ही सस्ती साड़ियाँ मिल रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया। अच्छा बहू, अब जाकर खाना पका। ठीक है माँ जी, पहले ये साड़ियाँ कमरे में रखाऊं, फिर आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया साड़ियों को रखने के लिए चली जाती है। तब टुनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा तू टुनटुनी को समझा, इसकी लालच कहीं हम लोगों को मुसीबत में ना डाल दे। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौआ मोहल्ले में सर्फ बेच रहा था। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। जब टुनटुनी उसकी आवाज सुनती है तो उसे बुलाती है। आ रहे हो भैया, इधर आना। कालू टुनटुनी के पास आता है। बहन जी ये सर्फ देखिए, 3 पैकेट पर 1 बाल्टी फ्री है, बहुत ही सस्ते में दे रहा हूँ। इतनी सस्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहिए कितनी पैकेट दे दूँ। टुनटुनी सर्फ लेने के लिए अपनी सास से पैसे मांगने जाती है। माँ जी बहुत ही सस्ते में सर्फ मिल रहा है, 3 पैकेट लेने पर 1 बाल्टी भी फ्री दे रहा है, कहिए कितने पैकेट ले लूं? अरे बहू तू क्यों लालच करती है, फ्री के चक्कर में हर समय पड़ी रहती है, जरा अच्छे से जांच परख कर ले, सर्फ ठीक तो है ना? माँ जी आप बेकार में चिंता करती हैं। मैंने देखा है जंगल के सारे पक्षी उससे सर्फ खरीद रहे थे। ठीक है बहू, ये ले पैसे, तू इतना कह रही है तो खरीद ले। अब टुनटुनी चिड़िया सर्फ के 3 पैकेट खरीद लेती है, साथ में उसे 1 बाल्टी फ्री में मिल जाती है। फ्री की बाल्टी पाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अगले दिन सर्फ से कपड़े धोने लगती है। अरे बहू जरा इधर आ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों चिल्ला रही है? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ये देख सारे सर्फ के पैकेट बेकार हैं, इसमें तो झाग ही नहीं बन रहे। और ये ले बाल्टी, ये भी इतनी पतली है, एक ही बार में टूट जाएगी। मैंने तो तुझे मना किया था, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? तेरे लालच के चलते हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। माँ जी आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो 2 पैसे बचाना चाहती हूँ और उसने मुझे गलत सर्फ दे दिया तो मैं क्या करूँ? बहू तू अपना रोना धोना छोड़, तुझे पता है ना आज पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना है। जाकर उस दिन जो तूने सेल में साड़ियाँ खरीदी थी ना, वो साड़ियाँ निकाल कर रख, आज उसे पहनकर हम सास बहू जाएंगे। ठीक है माँ जी मैं अभी निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही साड़ियाँ निकालती है वो देखती है। अरे ये क्या, ये तो सारी साड़ियाँ फटी हुई है, अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? तभी टुनी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी बहू तूने साड़ियाँ निकाल दी? माँ जी ये सारी साड़ियाँ फटी हुई है, मेरे लालच के कारण ही ऐसा हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद से मैं लालच नहीं करूँगी। ठीक है बहू तुझे अकल तो आ गई, यही बहुत है, चल मैं तेरे साथ बाजार चलकर नई साड़ियाँ लेकर आती हूँ। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया लालच करना छोड़ देती है। ये बात जब बंटी कबूतर को पता चलती है तो वो भी खुश हो जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरी सोफे पर बैठकर सब्जी काट रही होती है, तभी अचानक उनमें से एक बैंगन सड़ा हुआ निकल जाता है। आजकल सब्जियां कितनी महंगी आने लगी हैं और ये बैंगन भी सड़ा हुआ है। एक काम करती हूँ, इसका आधा भाग काट कर निकाल देती हूँ और आधा बना लूंगी, इससे पैसों की बचत भी हो जाएगी और सब्जी भी बन जाएगी। मैम साहब सर्फ खत्म हो गया है, मैं कपड़े कैसे धोऊं? टुनटुनी मैंने कल ही तो तुझे नया पैकेट खोल कर दिया था सर्फ का, इतनी सारी सर्फ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? लगता है तूने सारा सर्फ पानी में बहा दिया होगा। रुक अब मैं तुझे सर्फ नाप कर दिया करूँगी। ये ले एक ढक्कन पकड़ और इसी में तू सारा काम कर। अरे ये क्या टुनटुनी, तूने चाय के बर्तन कहाँ रख दिए? मैंने अभी उसमें चाय बनाई थी और मैंने चाय पत्ती भी उसी में रखा था, सोचा था कि शाम को दोबारा बना लूंगी, कहाँ रख दिया उस बर्तन को? मैम साहब उसमें तो बहुत थोड़ी सी चाय पत्ती थी, मैंने सोचा सारे बर्तनों के साथ उसे भी साफ कर दूं। कान खोलकर मेरी बात सुन ले, आगे से मुझसे बिना पूछे एक भी काम तू नहीं करेगी। सुंदरी मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, लाओ मेरा टिफिन कहाँ है? अभी टिफिन लगा देती हूँ जी।
अरे ये क्या, ये तो पड़ोस के दिए हुए समोसे हैं। क्या तुम इसे ही मुझे लंच में दोगी? अरे तो क्या हुआ जी, समोसे तो कितने अच्छे हैं, परसों के ही तो बने हुए हैं। और क्या हुआ, एक दिन के पैसे भी तो बचेंगे। तुम नहीं सुधरोगी सुंदरी। तभी किसी चीज की टूटने की आवाज आती है। अरे अब क्या तोड़ दिया टुनटुनी तूने? अरे कुछ नहीं मैम साहब, वो मेरी रानी बेटिया से कब टूट गया है। अरे ये तेरी बेटी है या आफत है? एक काम कर, कल से तुम इसे मेरे यहाँ पर बिल्कुल मत लेकर आना। और हाँ, कब के पैसे तो मैं तेरी पगार से काट लूँगी। अरे मैम साहब मैं बहुत गरीब हूँ, महीने भर की पगार से ही तो किसी तरह मेरा घर चलता है और मेरे बाल बच्चों का पोषण होता है मैम साहब। वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो पैसे तेरे ही पगार से काट लूँगी उस कप के। किसी वजह से टुनटुनी दो दिन तक काम पर नहीं आती है। जब तीसरे दिन टुनटुनी काम पर आती है तो ये सब क्या है टुनटुनी, दो दिनों तक तू कहाँ थी और काम पर क्यों नहीं आई? वो मैम साहब मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है और मैम साहब आज भी मैं काम पर नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे कुछ पैसे मांगने आई हूँ मैम साहब। मैं तुझे एडवांस में एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। और हाँ, तुम गरीब लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ भी होता है मुंह उठाकर भिखारियों की तरह कुछ भी मांगने आ जाते हो। इतना बोलकर सुंदरी फोन पर अपनी सहेली से बात करने लगती है। अरे बबली क्या बताऊं, आजकल की नौकरानियों के भी बड़े नाटक हैं। जब देखो मासूम चेहरा बनाकर पैसे ऐंठने आ जाती हैं। कभी बेटा बीमार है तो कभी बेटी बीमार है। आज तो मैंने अपनी नौकरानी को काम से ही निकाल दिया। अच्छा तेरी नज़र में एक अच्छी नौकरानी होगी तो बताना मुझे। सुंदरी की नज़र दरवाजे पे खड़ी टुनटुनी पे पड़ती है, तभी से वो सर झुकाकर खड़ी थी। टुनटुनी तू अभी तक वहीं खड़ी है, तूने सुना नहीं क्या, मैंने तुझे काम से निकाल दिया है। नहीं नहीं मालकिन, मुझ जैसी गरीब के साथ ऐसा मत करिए, मैं कहाँ जाऊंगी मालकिन, इतनी जल्दी मुझे कोई काम नहीं देगा मालकिन। मालकिन मैं आपसे कभी भी एडवांस नहीं मांगूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगा और जाकर किचन में काम कर। और हाँ ज्यादा टाइम ये नूडल्स लेते जाना, तेरी वो रानी खा लेगी। टुनटुनी जब काम कर वापस घर लौटती है तो सुंदरी के दिए हुए नूडल्स को भी साथ ले आती है। बेचारे टुनटुनी को पता नहीं था वो नूडल्स 3 दिन के बासी हैं। टुनटुनी अपनी मासूम सी बच्ची को वो नूडल्स खिला देती है। नूडल्स को खाते ही रानी उल्टियां करने लगती है। माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है माँ। अरे रानी बेटा क्या हुआ, तू अचानक से उल्टियाँ क्यों करने लगी? ठहर जा बेटा, मैं तुझे अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। टुनटुनी जल्दी से रानी को अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल पहुँचकर टुनटुनी को पता चलता है कि उसकी बेटी रानी की मौत हो चुकी है। अरे बहन जी, आपने उसे क्या खिलाया था? फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी मौत हुई है। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ने तो नूडल्स खाया था, मेरी बच्ची तो बहुत भली चंगी थी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बुखार था, नूडल्स खाते ही उसे उल्टी आने लगी। डॉक्टर उस नूडल्स की लैब में टेस्टिंग कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो 3 दिन का बासी था। डॉक्टर जैसे ही ये बात टुनटुनी को बताता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी कंजूस मालकिन की वजह से ही उसकी बेटी की आज मौत हो गई।